Hello, dear students. How are you? Myself Devendra Chaudhary, and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So, अभी तक हमने कंडक्टर के बारे में काफ़ी कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी. जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है उसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल रीजन. और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वी पोटेंशियल रीजन के परपेंडिकुलर होता है या फिर वाइस वर्सा. तो आज हम देखते हैं जैसे कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो स्फीयर है, या फिर कोई शेल है, उसके अंदर अगर चार्ज रख दें उसके बाहर चार्ज रख दें, तो कंडक्टर में तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं बिल्कुल मूव करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. तब तक मूव करेंगे तब जब तक कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए. जहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए तो वो मूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं चार्ज इंड्यूस होगा. तो आज हम उसी चार्ज इंड्यूस हो कैसे, कितना होगा, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. चलिए, तो सपोज कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, और इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हमने एक कैविटी बना दी सेंटर पे. इसका मतलब यह है कि इस पूरे स्फीयर में यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पर आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, बस यहाँ पर कैविटी है, दिस इज कैविटी, और बाकी आप रेडियस लेना चाहो तो दिस इज आर वन, या फिर इसको आर टू कह लेते हैं, इसको कह लेते हैं अपन आर वन. तो ये आपका, इसको कहते हैं शेल. जब एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर आप एक कैविटी बना देते हैं तो इसको कहते हैं कंडक्टिंग शेल. ठीक है, एक होलो कंडक्टर और कंडक्टिंग स्फीयर को भी हम क्या कहेंगे, कंडक्टिंग शेल, क्योंकि उसके अंदर भी एक कैविटी है. तो ये एक कंडक्टिंग शेल है, अब हमने क्या किया कि इसके सेंटर पे यहां पे एक चार्ज रख दिया प्लस का क्यू. अब इस पूरे कंडक्टर में ये तो है आपकी इनर सरफेस और ये है आउटर सरफेस. इनर सरफेस को मैं नाम दे देता हूं एस वन और आउटर सरफेस को नाम दे देते हैं एस टू. अब क्या होगा सोच के देखो, चार्ज अब इस क्यू की वजह से इस कंडक्टिंग मटेरियल में जो भी चार्ज होगा वो अट्रैक्ट होगा, तो वो चार्ज इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, तो इस S1 पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा S1 में. अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से आ रहा है तो हवा में हो जाएगा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है. S1 पे कुछ चार्ज क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा. ऐसे ही कुछ चार्ज S2 पे एक्यूमुलेट हो जाएगा. ठीक है, और एक बात और कि इस कंडक्टर को हमने पहले कोई चार्ज नहीं दिया है, सिर्फ कैविटी में एक चार्ज क्यू रखा है. तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उनको कैसे डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो ध्यान देना. आप क्या करो, देखो इस क्यू की वजह से यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ऐसे, लेकिन कितना होगा वो मुझे नहीं पता. क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि फाइंड चार्ज इंड्यूस्ड एट S1 एंड S2, फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज एट S1 एंड S2. S1 पे कितना होगा और S2 पे कितना होगा, इन पे आपको इंड्यूस चार्ज बताना है. तो इस Q की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएंगे. तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर चार्ज आ गया आपका
सपोज स्मॉल क्यू, अब मुझे स्मॉल क्यू निकालना है, तो अभी मैं जो फंडा लगा रहा हूं वही यूज करना है आपको हर जगह। अगर मैं इस S1 के जस्ट बाहर एक कंडक्ट गॉशियन सरफेस ले लेता हूं, ये S1 के जस्ट बाहर एक मैंने क्या ले ली, गॉशियन सरफेस। अब उसका फायदा क्या, क्योंकि दिस इज कंडक्टिंग मटेरियल, या फिर यू कह लो दिस इज कंडक्टर, और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इसका मतलब इस पूरे रीजन में जो आपको ये शेडेड लाइंस दिख रही हैं, इनमें पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, जीरो। ठीक है, पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब देखो, अब मैं इस गॉशियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाता हूँ, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स थ्रू गॉशियन सरफेस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारी गॉशियन सरफेस है, इस गॉशियन सरफेस से फ्लक्स कितना एनक्लोज होगा, तो फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड। अब इस गॉशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एक तो ये आपका कैपिटल Q और एक ये आपका स्मॉल Q, तो कितना चार्ज है, Q प्लस स्मॉल Q। अब गॉशियन सरफेस ली है, उसका मैंने फ्लक्स लिखा है। अब बड़ी मजेदार चीज कि आपने जिस एरिया में, जिस रीजन में गॉशियन सरफेस बनाई है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या आपने कहा था S1 के जस्ट बाहर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये क्वांटिटी हो गई जीरो। इसका मतलब Q प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल जीरो, तो स्मॉल Q कितना आया, इक्वल्स टू माइनस क्यू, स्मॉल Q कितना आया, माइनस क्यू। मतलब कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। माइनस क्यू नोट करें यहां तक। तो ये S1 पे चार्ज इंड्यूस हुआ ऑन S1। अब S2 पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, ऑन S2। देखो, ये जो आपका कंडक्टर था, ये शेल जो था, उस पर इनिशियल चार्ज कितना था, जीरो। इनिशियल चार्ज कितना था, जीरो। अब इस शेल में ये देखो, ये माइनस चार्ज शेल से बाहर नहीं, शेल की सरफेस पे, तो इस सरफेस पे यहां पर अगर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया तो बाहर कितना इंड्यूस हो कि नेट जीरो हो जाए, तो प्लस क्यू। इनिशियल चार्ज जीरो था तो फाइनली भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये जो शेल है वो किसी से अटैच नहीं है, तो चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चार्ज कंजर्व रहेगा मतलब कि इस सेल पे इनिशियल चार्ज क्यू इनिशियल इज जीरो, ठीक है, तो क्यू फाइनल भी कितना होगा, जीरो, और वो किसके बराबर होगा, मान लेते हैं कि इस पे चार्ज इंड्यूस हो गया आपका एक्स, और अंदर वाले पे कितना इंड्यूस हुआ, क्यू, तो एक्स प्लस क्यू कितना होगा, जीरो, क्यू आपका आया माइनस क्यू, तो एक्स कितना आएगा, प्लस का क्यू। तो इसका मतलब अंदर अगर यहाँ पर यहाँ क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू जनरेट होगा चार्ज, और यहाँ पर होगा आपका प्लस का क्यू, नेट चार्ज जीरो है। तो यही फंडा आपको यूज करना है, नोट करें यहाँ तक। चलिए, ये तो एक क्वेश्चन हुआ, चलो एक और करते हैं इसी पे।
रैप कर दें। फिर से वही कि मान लो अब मैं क्या करता हूँ कि स्फीयर नहीं लेता हूँ बल्कि कोई भी एक कंडक्टर ले लेता हूँ। कैसा भी ये कंडक्टर ले लिया, कोई भी रैंडम कंडक्टर, और उस कंडक्टर के अंदर मैंने ये कैविटी बना दी। यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल है और इस कंडक्टर को इनिशियली मैंने चार्ज दिया हुआ है, इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू क्यू। इनिशियली मैंने क्यू चार्ज दिया है तो वो क्यू चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे है। और इसके कैविटी के अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया माइनस का टू क्यू, और ये वाली सरफेस S1 और ये वाली सरफेस S2, इनिशियल चार्ज प्लस का क्यू है। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन S1 एंड S2 व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अक्वायर्ड। बताएं, स्क्रीन पॉज करें, सॉल्व करें इसको। अभी जो फंडा लगाया था वही लगाना है। तो अभी हमने क्या फंडा लगाया था कि ये जो रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस रीजन में गॉसियन सरफेस बना लो, ये लो, ये माइनस टू क्यू है तो यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज इंड्यूस होगा। मान लेते कितना इंड्यूस हुआ, स्मॉल क्यू। तो अगर मैं यहाँ इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स लिखूँ तो फ्लक्स क्या होगा, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज कितना है, इंड्यूस हुआ क्यू और अंदर एक माइनस टू क्यू तो है ही, ये क्यू और माइनस टू क्यू ये दोनों ही सरफेस के अंदर है, और फ्लक्स होगा ई डी एस। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, ई डी एस जीरो, तो स्मॉल क्यू कितना आया, टू क्यू के बराबर। कितना आया, 2q के बराबर। मैंने कहा था ना पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आ गया, देखो। ठीक है, तो इस अंदर वाली सरफेस पे आ गया 2q। अब बताओ बाहर वाली सरफेस पे कितना आएगा, पूरे कंडक्टर पे इनिशियल चार्ज कितना, q, फाइनली भी कितना होगा, q। अब बाहर वाली पे आ गया मान लो x, तो फाइनल चार्ज में बाहर हो गया x प्लस अंदर वाली सरफेस पे कितना हो गया, स्मॉल क्यू, जो कि कितना है, टू क्यू। तो एक्स कितना आया, टू क्यू को उधर ले जाओ, माइनस क्यू। तो बाहर कितना इंड्यूस होगा, माइनस क्यू, अंदर प्लस का टू क्यू, टू क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज क्यू। तो यहाँ तक क्लियर है, कैसा भी कंडक्टर हो आप, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बस वहाँ गॉसियन सरफेस बना लो, उसके अंदर जो नेट चार्ज हो वो जीरो होना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस है इसलिए, है कि नहीं।
अब जैसे कई बार बहुत सारे दे दिए जाएंगे आपको स्फीयर, जैसे यहाँ पर सेंटर पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, उसके बाहर एक स्फीयर है। अब ये जो है ये होलो स्फीयर, ठीक है, उसके बाहर एक दूसरा स्फीयर है। अभी तक जो देखा था हमने यहाँ मटेरियल था, पर अब मटेरियल नहीं है, मतलब ये एक होलो स्फीयर है, ये दूसरा होलो स्फीयर है। चलो दो की बात करते हैं अभी। अब देखना ये दोनों होलो स्फीयर हैं, इनको कहते हैं वही शेल, शेल कहेंगे इनको, शेल जिसके अंदर एक कैविटी होगी। अब होलो स्फीयर है तो देखो कैविटी थोड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी कैविटी है, मटेरियल सिर्फ यहाँ पर है, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर मटेरियल है। तो अब जैसे इनिशियली इसको चार्ज दिया मैंने 2q, इसको 2q दिया और इसको दिया मैंने 3q, और ये इसके अंदर वाली सरफेस है S1, ये बाहर वाली सरफेस S2, ये S3 और ये वाली S4। टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल, कॉन्सेंट्रिक यहीं पर, कंडक्टिंग शेल, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन S1, S2, S3 एंड S4। आपको ये फाइनल चार्ज फाइंड करना है। कैसे करेंगे? चलो करते हैं शुरू, ध्यान से सुनना। ये एक स्फीयर है जिसके अंदर बहुत बड़ी कैविटी है, मटेरियल कहाँ है? सिर्फ यहाँ पर। चलो इसको थोड़ा सा अपन हार्ड लाइन कर देते हैं, यहाँ मटेरियल है लेकिन इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इसलिए हमको ये मटेरियल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यह मटेरियल है। उसकी थिकनेस बहुत कम है लेकिन यहाँ मटेरियल तो है, और जहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ज़ीरो। बस बात ही ख़त्म। अब अगर देखो ये अब होलो स्फीयर है पूरा, ये इसकी मैंने थिकनेस को थोड़ा मोटा करके बताया है बहुत पतली सी, लेकिन चाहे कितनी पतली हो, माइक्रोन में हो, मटेरियल तो होगा। अच्छा मटेरियल होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, तो मैं क्या करूँ? तो इस क्यू की वजह से यहाँ पर अंदर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, सपोज वो हो गया आपका स्मॉल क्यू, कितना इंड्यूस हो गया? स्मॉल क्यू नेगेटिव में होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब कैसे निकालें स्मॉल क्यू? तो वही इस सरफेस S1 के जस्ट बाहर अपन एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं ऐसे, ये लो भाई, और ये गॉसियन सरफेस जिस रीजन में बनी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो होगा ना, अभी वापस E.ds लिखूंगा, क्या फायदा। अब जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू एनक्लोज, तो क्यू एनक्लोज कितना है? स्मॉल क्यू इंड्यूस हुआ और कैपिटल क्यू ये, तो स्मॉल क्यू कितना आया? माइनस क्यू। तो इसके अंदर चार्ज कितना इंड्यूस होगा यहां पर? माइनस क्यू। अब बताओ S2 पे कितना आएगा इसकी बाहर वाली सरफेस पे? तो इस पर इनिशियल चार्ज कितना था? 3q। अभी भी कितना होना चाहिए? 3q। अंदर हो गया माइनस क्यू, तो बाहर कितना हो कि नेट चार्ज 3q हो जाए? तो बाहर हो 4q, 4q और माइनस क्यू कितना हो गया? 3q। समझने की कोशिश करें। अब S3 और S4 के लिए खुद निकालें। S3 और S4 के लिए खुद निकालें। चलो S3 S4 यहाँ पर भी मटेरियल है,
दिख नहीं रहा है अलग बात है, पर मटेरियल तो है। तो मैं क्या करूँगा, उस मटेरियल के अंदर एक क्वेश्चन सरफेस बना लूँगा। उस क्वेश्चन सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा, जीरो, क्योंकि मटेरियल कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हुआ है एक्स, ठीक है, तो फ्लक्स जीरो मतलब क्यू एनक्लोज जीरो। अब क्यू एनक्लोज कितना, अब देखो यहाँ पर तुम क्वेश्चन सरफेस बनाओगे ना ऐसे, तो एक्स ये भी क्यू एनक्लोज में आएगा, फोर क्यू इन क्यू एनक्लोज में, माइनस क्यू क्यू एनक्लोज में, प्लस क्यू ये भी क्यू एनक्लोज में, तो कितना हो गया एक्स थ्री क्यू क्यू फोर क्यू, एक्स प्लस थ्री क्यू प्लस क्यू फोर क्यू, तो एक्स प्लस फोर क्यू ये जीरो होगा, तो एक्स कितना आया माइनस का फोर क्यू। तो यहाँ पर 4q है तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस 4q, याद मत रखना बस, लगभग ऐसा ही आता है हमेशा। अब बताओ बाहर वाली सरफेस पे कितना इंड्यूस होगा, नेट कितना होना चाहिए 2q, अंदर हो गया माइनस 4q, तो बाहर कितना होना चाहिए 6q, 6q माइनस 4q 2q, तो ये चार्ज इंड्यूस हो गया। देखो इधर अंदर माइनस q फिर बाहर 4q, माइनस 4q और 6q, ऐसे कंडक्टिंग शेल्स को स्टडी किया जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एस थ्री पे कितना चार्ज आएगा, एस फोर पे कितना चार्ज आएगा। तो आपको बस गॉस लॉ लगाना है, ठीक है। चलिए अब ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एक चीज देखते हैं। ये कंडक्टिंग शेल है, यहाँ पर मटेरियल है, मतलब मोटा कंडक्टिंग शेल है, ये रेडियस आर वन और ये वाली रेडियस आर टू, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। क्वेश्चन ये है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स different points which are small r less than r1, small r greater than r1 less than r2, small r greater than r2। मतलब कि एक पॉइंट है ये a, ये पॉइंट है बी और ये कोई बाहर पॉइंट है सी, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आएगी तो इन तीनों पॉइंट पे, इन तीनों पॉइंट को अलग अलग स्टडी करेंगे हम। तो जब ए पॉइंट को स्टडी करेंगे तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस ये ले लेंगे स्मॉल आर, बी को स्टडी करेंगे तो बी की ये डिस्टेंस आर ले लेंगे स्मॉल आर,
सी को करेंगे, सी की डिस्टेंस स्मॉल आर ले लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी इन तीनों पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है और पोटेंशियल लिखना है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आप चार्ज इंड्यूस करवाओ, स्मॉल क्यू अंदर है तो S1 वाली सरफेस पे कितना आएगा, चलो ये रेडियस R1 है, S1 वाली सरफेस पे कितना आएगा माइनस क्यू, कितना आएगा अंदर वाली सरफेस पे माइनस क्यू, और बाहर वाली पे कितना आएगा प्लस का क्यू, क्योंकि नेट चार्ज इनिशियली कितना था जीरो। पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कर लिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो ए पे अब लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले पॉइंट ए, पॉइंट ए, ए पे अपन लिखेंगे, एक तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। चलो भाई ये अब ए की बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस होगी आपकी आर, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू की वजह से कितना होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या इस माइनस क्यू की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस क्यू जो है ये एक स्फीयर की सरफेस पे है, मतलब यूं समझो एक माइनस क्यू चार्ज का एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जीरो, तो माइनस क्यू की वजह से आर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो। क्या इस प्लस क्यू की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं, ये प्लस क्यू भी अंदर स्फीयर की भी तरह बिहेव करेगा और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। पोटेंशियल एट ए, ये इंपॉर्टेंट है, ए पे पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल लिखो और जोड़ दो, ए पे पोटेंशियल क्यू का कितना होगा के क्यू बाय आर, माइनस क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू का जीरो रहेगा, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इस माइनस क्यू का पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा जितना सेंटर पर रहेगा, सेंटर कितना दूर है यहां से आर वन डिस्टेंस पर है, तो माइनस क्यू का सेंटर पर पोटेंशियल कितना है के माइनस क्यू अपॉन आर वन, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा माइनस क्यू की वजह से अंदर हर जगह, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसकी वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, जितना सेंटर पे होगा उतना ही हर जगह होगा, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से आर ए पॉइंट पे पोटेंशियल, तो प्लस क्यू की वजह से भी अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसकी वजह से अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो जितना सेंटर पे होगा प्लस क्यू की वजह से उतना ही ए पॉइंट पे होगा, सेंटर पे कितना होगा प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाय आर टू, ठीक है। अब चलते हैं अपन पॉइंट बी पे, पॉइंट बी, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो देखो, अब पॉइंट बी का ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ आर, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू की वजह से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, माइनस क्यू का स्फीयर और स्फीयर के बाहर स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितनी स्मॉल आर, तो के माइनस क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इसकी वजह से, इसकी वजह से तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, लेकिन अब देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया जीरो, क्योंकि भैया ये कंडक्टर के अंदर है, मटेरियल के अंदर, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा जीरो ही होगा, ठीक है। अरे समझे क्या, चलो पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल कितना होगा बी पे, बी पे पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर किसी का,
पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट। चलो यहाँ पर हम Q की वजह से लिख लें यहाँ पर पोटेंशियल, Q बाय स्मॉल r माइनस Q का स्फीयर, इसकी वजह से बाहर पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की तरह है, K माइनस Q बाय स्मॉल r। इस प्लस Q की वजह से अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कितना होगा? जितना सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना है प्लस Q की वजह से, ये डिस्टेंस है r2, तो के क्यू अपॉन आर टू। कितना आया पोटेंशियल? के क्यू अपॉन आर टू। देखो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है कि नहीं है, वो क्वांटिटी कांस्टेंट है कि नहीं, के क्यू अपॉन आर टू, आर टू कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, के कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, तो बी पे पोटेंशियल चाहे आप कहीं पे भी ले लो, आर को कितना भी वेरी कर लो, आर के साथ पोटेंशियल वेरी नहीं हो रहा। बी को आप यहां ले लोगे, आर कम कर दोगे तो भी इतना ही रहेगा, वो वेरी नहीं हो रहा। लेकिन ये देखो ए पे जो पोटेंशियल है वो आर का फंक्शन है, अगर आपने आर वेरी कर दिया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? वेरी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं सी पे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, तो सी की अब सेंटर से ये डिस्टेंस में आर ले लेता हूँ, सी पे कैपिटल क्यू की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, माइनस क्यू की वजह से स्फीयर के बाहर स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, प्लस क्यू की वजह से ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो हमेशा आपको ऐसे ही निकालना है। चलो पोटेंशियल निकालो सी पे, इस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से, कितना आया? के क्यू बाय स्मॉल आर। ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, और अगर पोटेंशियल वेरिएबल है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी, आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस डी वी बाय डी आर कर लो, यही आएगा। ठीक है, इसको करो डिफरेंशिएट, कांस्टेंट है ये आएगा, इसको करो डिफरेंशिएट ये आएगा, तो वही सारी चीज़ें नोट करें यहाँ तक। ठीक है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितुम। चलो
अब हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो देखेंगे कंडक्टर की अर्थिंग और एक देखेंगे टचिंग। पहले देखते हैं टचिंग या कनेक्टिंग, कुछ भी कह लें आप। टचिंग मतलब दो कंडक्टर जिन पे चार्ज अलग अलग है उनको अपन ने टच कर दिया, क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक इधर से उधर जाएंगे, लेकिन किधर से किधर जाएंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टचिंग मान लो कि एक स्फीयर है, रेडियस है आर, चार्ज है प्लस क्यू, ध्यान से सुनना, एक ही फंडा है, अगर वो ध्यान से क्लियर कर लिया तो टचिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और एक बहुत दूर इन्फिनिटी पे दूसरा स्फीयर है, रेडियस है उसकी आर बाई टू, आर बाई टू नहीं, टू आर रेडियस है, टू आर बहुत दूर है और इनिशियली चार्ज उस पर कुछ नहीं है, जीरो चार्ज है। अब मैंने एक कंडक्टिंग वायर लिया, दोनों के बीच में लगा दिया, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन द बोथ स्फीयर, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन द बोथ स्फीयर। सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं। तो अब देखो, यहां से चार्ज तो फ्लो होगा, किधर से भी हो सकता है, इधर से उधर जा सकता है, उधर से इधर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि इधर चार्ज ज़्यादा है उधर कम है तो इधर से उधर चला जाएगा। नो, इस धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं वो उधर जाना चाहती है जिधर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, कम हो। अब अगर इस पे चार्ज जीरो है तो इसका पोटेंशियल जीरो है सरफेस पे, के क्यू बाई आर। सरफेस पे अगर पोटेंशियल जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन वहां पर एनर्जी पोटेंशियल वाली जीरो नहीं है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कम है तो चार्ज इधर से इधर आएंगे, चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर होंगे। अच्छा, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, यही निकालना है हमको। तो जब स्मॉल क्यू चार्ज ट्रांसफर हो गया तो यहां पर चार्ज कितना आ गया, स्मॉल क्यू, और यहां पर चार्ज कितना आ गया, क्यू था, उसमें से कितना चला गया, स्मॉल क्यू। ये आप एक के बाद डायग्राम बनाते जाएं, पहले जो क्वेश्चन में था वो बनाएं, उसके बाद अगले डायग्राम में ये बनाएं और ये नोटेशन करें। तो ये सिचुएशन आ गई। अब ऐसा क्या हुआ कि चार्ज चलना बंद हो गया? अब जो अगला चार्ज था उसने देखा, वो इसलिए नहीं गया कि उसको लगा यहाँ अगर मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी देखूं और यहाँ देखूं तो दोनों जगह मेरी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो मैं क्यों फालतू यहाँ से वहाँ जाऊँ। कोई भी एक चार्ज है उसकी यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी वही है, वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी वही है, तो वो चार्ज यहाँ से वहाँ क्यों जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह सेम है, इसका मतलब दोनों जगह है पोटेंशियल क्या है, सेम है, दोनों जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो चार्ज फ्लो होता है और कब तक फ्लो होता है, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लिख लें इस बात को, चार्ज फ्लोज टिल अंटिल पोटेंशियल बिकम्स सेम,
जब तक पोटेंशियल आपका सेम नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। अगर इधर पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इधर कम है तो इधर से इधर जाएंगे, उधर ज़्यादा है तो उधर से इधर आएंगे। लेकिन एक बार दोनों जगह पोटेंशियल सेम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेम, तो क्यों मूव करेंगे? तो अब क्यों मूव कर गया? अब चार्ज चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इसको मैं ए कह लेता हूँ, तो पोटेंशियल एट ए बराबर है, उसको बी कह लेते हैं, पोटेंशियल एट बी। अब चार्ज मूव नहीं कर रहा। अच्छा, क्या चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इज दिस ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। जैसे ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कौन सा हाई पोटेंशियल होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो ये वी ए, ये वी बी, तो वी बी कम है। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपने नेगेटिव रख दिया तो वो तो पीछे जाएगा, वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पीछे जाएगा तो उसकी कम होगी, क्योंकि नेगेटिव में है चार्ज, नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू पोटेंशियल करोगे तो वो और कम होता जाएगा, तो हाई टू लो पोटेंशियल की एनर्जी की तरफ जाता है। तो वी ए इक्वल्स टू वी बी। अब यहाँ का पोटेंशियल बताओ, तो इस कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? जितना सेंटर पे होगा।